ভক্তিনগর ট্রাফিক পয়েন্টের কাছে 10 চাকার ট্রাকে ধাক্কা লেগে পেছনের চাকায় পৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু হয় এক মহিলার। ভক্তিনগর থানা অন্তর্গত এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক মহিলার। মৃতার নাম রীতা ছেত্রী। তিনি ভক্তিনগর থানা এলাকার প্রকাশনগর লিম্ববস্তি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। আজ সকাল 8টা নাগাদ ভক্তিনগর ট্রাফিক পয়েন্টের কাছে একটি 10 চাকার ট্রাক বাঁক খোলার সময় এক মহিলাকে ধাক্কা মারে। সেই সময় ট্রাকের পেছনে চাকায় পৃষ্ঠ হয়ে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় মহিলার। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ইতিমধ্যে মৃতার পরিবারের তরফে ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এদিকে ঘাতক ট্রাকটিকে আটক করে গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। सुबह में जब ड्यूटी के लिए निकल रहा था तब मैं देखा उनका भी जो विकास है बेटा उनका बीवी वहाँ पे पड़ी हुई थी। उनका मम्मी का सर से खून बह रहा था तो ट्रक वाला ने वो ट्रक जो खड़ा है उसने मारा है। हम लोग भी थे वहाँ पे देखे हैं। रीता छेत्री है हमारे गांव के है। गांव के मेरी आंटी लगती है मेरा दोस्त का। ये प्रकाश नंबर लिम्बू बस्ती में रहती है। मेरा दोस्त का ही वो मम्मी है जी। FIR कर रहा है अभी। कागज वगैरह रेडी है अभी पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। वो घर से निकले थे कुछ सामान में लेके कहीं जाने के लिए। ठीक है सामान भी देखा हाथ में लेके निकल रहे थे। जैसे गाड़ी उधर आए तो गाड़ी का सामने वाला से नहीं लगा पीछे का वो ना उसमें धक्का लगा। धक्का लगने पर सट्टे गिरे। वो गिरने साथ में पूरा माथा वाथा फट गया अपने आप। इधर भी ये था पक्का था पक्का होगा में चोट लग गया। ज़्यादा जोर से धक्का लगा ना स्पीड गाड़ी था। चोट लगने के बाद में बस वही भी साथ स्पोर्ट।